गाइस यार कैसे हो आप सब लोग। आज हम अगर मैंने वीडियो में आर एच के गेमिंग में तो बोला कैसे हो। ये वीडियो बहुत ही ओपी होने वाला है क्योंकि हम वापस से खेलने वाले हैं। क्या भाई, हम कुछ भी खेलने नहीं वाले गाइस। हमने वापस से किया एक और एक बार छोटा सा क्यूट सा टॉप अप गाइस। और ये हमें फ्री का स्पिन क्यों मिल रहा है गाइस? मैं ये सोच रहा हूँ कि फ्री का स्पिन में कुछ भी निकलने वाला नहीं है। हमारा लक एक तो पहले से 30 जैसा है तो कुछ भी निकलने वाला नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि घड़ी ना फ्री फायर को लूटना बहुत ही अच्छा था, पता नहीं वो कहाँ से सीख के आया है लूटना। तो लेकिन गाइस हम आ जाते हैं, देखो गाइस हम वापस टॉप अप 300 डायमंड मिल चुके हैं। और ये पहले हम फार्मर्स के डब्बे खोल लेते हैं गाइस। हम इन टू फाइव करके ही खोलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है गाइस। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं मिला, फार्मर्स की स्किन में भी कुछ नहीं मिला, फायर स्किन में भी कुछ भी नहीं मिला, तो इसमें क्या खाक मिलेगा गाइस? और ये कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमें मिल चुकी है क्यूट सी स्कारल, कतई हड़ वाली स्कारल, टॉप गेमर वाली स्कारल मिल चुकी है। और ये ड्रैगन एग के गाइस मिलना इम्पॉसिबल है क्योंकि इससे अच्छी मेरे पास एक गन स्किन है जो है फ्लेमिंग रेड एग के, जो मैंने अभी हाथ में पकड़ी हुई थी गाइस, आप देख सकते हो। उससे अच्छी मेरी ये है फ्लेमिंग रेड एग के गाइस, कतई हार्ड है ये वाली, तो मैं उसको इक्विप करूंगा। और ये टॉप गेमर भी अच्छी है लेकिन ये क्यूपिड स्कार से, मतलब क्यूपिड स्कार का बच्चा है गाइस। क्यूपिड स्कार में आप देख सकते हो रेट ऑफ फायर डबल, डैमेज एक ऊपर और एक्यूरेसी एक लो थी। MP40 कतई टट्टी, उससे अच्छी तो हमारी विंटर लाइट। तो गाइस आप देख सकते हो ये फायर वाली मुझे मिल जाती तो गाइस मैं नंगा नाचता गाइस, शर्त लगा के मैं बोल देता हूँ गाइस। तो अभी हम वीडियो को तो एंड नहीं करेंगे, नेक्स्ट गाइस हम खेलने वाले सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम। सोलो वर्सेस स्क्वाड गाइस हमने बहुत ही दिनों से नहीं खेली, तो गाइस एक ही वीडियो नहीं होने वाला है, हमने 3 या फिर 4 क्लिप्स डाली है गाइस, वो आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। तो गाइस ये लाइट पास तो कटे ही टट्टी वाला है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जैसे कि आपने रिव्यू में बोला था गाइस। इसका सिर्फ पैंट अच्छा है और वो पैंट के लिए तो हमें इतना बड़ा सा इलाइट पास तो नहीं ले सकते, इसलिए हम ये वाला इलाइट पास को छोड़ देते हैं, शायद से दूसरा वाला इलाइट पास लेंगे गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का वीडियो एकदम स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम वापस से खेलने वाले एक बार सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम। सोलो वर्सेस स्क्वाड में होता यह है, मैं होता हूँ अकेला, सामने होते 4 प्लेयर, उनके उन चारों को मार के बिया लेना पड़ेगा। तो गाइस आप चैनल पे नए हो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मत भूलना गाइस। तो गाइस आपने इसके पहले वाली गाइस आपने देखा होगा कि हमें यार ये बहुत सारे डब्बे क्रेट्स यानी क्रेट्स खोले थे गाइस, बहुत सारी गन के, लेकिन उसमें से हमें टॉप गेमर बंडल की ही परमानेंट मिली, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमने एक इंक्यूबेटर का फ्री का स्पिन किया था तो वो भी बहुत ही मतलब टट्टी रहा, तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये वाला इलाइट पास हम नहीं खरीदने वाले हैं क्योंकि ये इलाइट पास में कुछ भी स्पेशल नहीं है गाइस, सिर्फ और सिर्फ पैंट है और पैंट के लिए हम पूरा 500 डायमंड नहीं उड़ा सकते। यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली पहला किल हो चुका है, हम यहाँ पे ग्रोजा को छोड़ देंगे गाइस। और नहीं गाइस हम लोग कुछ भी कर सकते गाइस, M60 मुझे बहुत ही अच्छी लगती है तो गाइस M60 मैंने ले लिया हाथ में। तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितने बंदे मिलते हैं हम लोग को। और मेरे पास स्पेशल बात ये है कि गाइस आप देख सकते हो हमारे पास कितनी कम मेमो है गाइस, MP5 की यानी शॉर्ट रेंज, हम क्या कर सकते हैं। अभी तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अभी आपने बॉटन मतलब बॉट तो नहीं बोल सकते लेकिन एक प्लेयर को जाते हुए देखा, तो हमारे पास एक शॉर्ट रेंज की तो अच्छी गन नहीं है गाइस, हम क्या बोल सकते हैं गाइस। और अब देख सकते हो, अभी देखते हैं क्या सीखने वाला है गाइस। अभी मिस्टर वैगन ने गाइस फुटबॉल दी लेकिन उसमें हुआ ये कि मेरी बैग पैक खुल थी तो फुटबॉल वहीं पे फीट मतलब हमारे पैर के बाजू में ब्लॉक हो गए, उधर जो आपको पता है तो गाइस यहाँ पे कहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ ये रही गाइस, आप देख सकते हो ब्लू और बीच में हमने ड्रॉप कर दी, मतलब मिस्टर वैगन का ऐसा ही है गाइस, बीच में ड्रॉप कर देगा। हमने थोड़ी सी ARM को ड्रॉप कर दिया है अभी के लिए गाइस, क्या कर सकते हैं गाइस, लक आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे एक भी बंदा था वो चला कहाँ पे गया यार, फट गई क्या उसकी काम में आना, औकात की बात करते हैं। तो गाइस इसमें अपने स्पेशल ये है कि गाइस इसमें हमने क्लिप पे वीडियो बनाया है, तो गाइस मजा आने वाला है क्लिप देखो गाइस। मुझे तीन तीन क्लिप्स मतलब तीन क्लिप्स लानी पड़ी गाइस, बहुत ही गाइस
तीन बार खेलना पड़ गया, बहुत ही मेहनत लग गई। आगे की तरफ दो दो बने भाई साहब, M60 का तो हार चल रही है आज। M60 बहुत ही मतलब बहुत ही गेम प्ले के बाद मैंने M60 को यूज किया है, बहुत समय बाद यूज किया भाई। मुझे नजर नहीं आ रहा एक बंदा यहाँ पे गाइज। अरे यार मेरे पास एमो बहुत ही कम पड़ गई गाइज, मैं M60 को कर लेता हूँ। और ये बंदा भाग गया यार, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसको मार दिया। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 11 एमओ बाकी रहा थी मेरे चिंकांडी में, कतई हार्ड वो खेल रहा था गाइस। लेकिन हम इससे अच्छा खेलते हैं इसलिए हमने उसको खत्म कर दिया गाइस। यही हुआ ना, अभी हमें कोई बीच में बंदे नहीं मिले तो हमने वीडियो को थोड़ा सा गाइस कट कर दिया है, क्योंकि लूट दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। लूट तो सबको अच्छी करनी चाहती है, जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं M60 पूरे के पूरे एक क्लिप में यूज करने वाला हूँ गाइस। M60 को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि बहुत ही हार वाली गन है वो गाइस, कभी कभी चल जाती है कभी कभी नहीं चलती, पता नहीं कुछ भी है उसका। मुझे लगता है कि यहाँ पे बंदे होने चाहिए गाइस, कितनी देर से बंदे नहीं मिले मैंने। अरे आगे की तरफ पूरी की पूरी स्क्वाड है, मैं पूरा का पूरा खत्म करूंगा चिंपांडियों को। अरे यार ये स्कोप में से गायब क्यों हो जा रहे बंदे यार, चलो एक नॉक हमें उसको पूरा खत्म करना है गाइस। चलो और एक नॉक हो चुका है, मुझे थर्मल स्कोप में अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि बंदों का क्या हुआ गाइस। अभी मैं थोड़ा सा वॉल्यूम धीमे कर रहा हूं गाइस, कुछ भी हो रहा है मुझे सारे के सारे चारों के चारों बंदों को मैं मार सकता हूं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से पड़ रही है गाइस। अरे यार ये नॉक हो रहे वापस से पैदा हो रहे गाइस, क्या हो रहा है मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या गाइस। अरे यार मैं कैसे मर गया गाइस, मैं व्हीकल से मर गया यार, ये चिंकंडी बंदा यार, हम पूरी की पूरी स्क्वाड को खत्म कर देते हैं, व्हाट द हेल यार। और आगे की तरफ एक और बंदा गाइस, हमें इन लोगों का गेम प्ले देख के क्या करें, क्योंकि हम बिना किसी टाइम बार टाइम पे बिना हम लोग चाहते क्लिप टू के गाइस। तो कि चैनल पे नहीं हो तो गाइस जल्दी से जाके चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करना मत भूलना, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो गाइस जल्दी से हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो गाइस। हम यहाँ पे वापस उतर रहे हैं बीच की साइड, लेकिन हम उतर नहीं पाएंगे गाइस यहाँ पे परफेक्ट जगह पे, और हमें यहाँ अगर जो गन नहीं मिली तो हम खत्म हो सकते गए, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया और मैं थोड़ा सा साइड पे ही उतर गया गाइस। मेरे हाथ में अब USP तो मैं नहीं रख सकता क्योंकि वो कतई टट्टी गन है, उससे अच्छे तो हमारी ये छोटी कट्ठा कतई हार्ड है, चल जाएगी अभी के लिए गाइस। ब्लू वन मिल चुकी है और ये मैं स्कार ले लेता हूँ जो बहुत ही अच्छी गन है, अगर जो स्किन हो तो बहुत ही हार्ड चलेगी। और साइलेंसर भी मिल चुका है गाइस, आप देख सकते हो मेरा लक कितना ओपी है गाइस, आप देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छा सा गेम प्ले होने वाला है गाइस। आप देखो पूरा का पूरा वीडियो देखो, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो गाइस और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की तरफ एक बंदा है, मैं उसको खत्म किए बिना जाऊंगा नहीं, नॉक हो चुका है बंदा, लाइक नॉक होने के बाद भी हेड नसीब देखो उसके फटे हुए नसीब है गाइस उसके। और हमें बाउंटी में से क्या मिला गाइस, MP5 अभी शॉर्ट रेंज के लिए अभी काम में आएगी, बुशीडो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि गाइस बुशीडो जब चलता है ना गाइस तब उसकी आवाज आती है कुछ खनखन जैसी, तो गाइस मैं उसको नहीं लूंगा गाइस। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम एमओ है दोनों की, तो गाइस हमें बीच में लूट किया है, तो गाइस मैंने वापस से वीडियो को कर दिया है कट गाइस। मैं तीनों के तीनों वीडियो में गाइस कट तो करूंगा गाइस, कहीं ना कहीं मैं कट तो करूंगा। अब देख सकते हो मैं अभी पीक के ऊपर ही हूं गाइस, सामने की तरफ दो बंदे गाइस, भाई साहब अब देख सकते हो दो बंदों को मैं कैसे संभाल पाऊंगा गाइस, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा गाइस। और दोनों को दोनों बंदे को हम कर गाइस पूरा का पूरा खत्म कर देते, एक तो मेरे पास कोई एमो नहीं थी, कतई हार्ड वाला गेम प्ले चल रहा था, ये दोनों बंदर ये बीच में आ गए क्या ही बोलूं, की कमी बहुत ही हो रही है गाइस अभी।
आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 34 एमओ। गाइस पहली बार हुआ ऐसा कि गाइस शॉर्ट रेंज की एमओ लॉन्ग रेंज से ज्यादा है, पहला ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। गाइस आप देख सकते हो मतलब आगे की तरफ बंदा है। गाइस मैं बातें करने करने में दो बंदे आगे सामने आ गए, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। एक तो मेरे पास लॉन्ग रेंज की एमओ नहीं है गाइस, एक नॉक बंदा, मैं उसको पूरा खत्म करूं या फिर उसके टीममेट को। गाइस पूरा खत्म कर दिया मैंने उसको, मुझे कोई भी रिस्क जैसा नहीं लेना था, प्रॉब्लम हो सकती थी। गाइस ऊपर की तरफ एक और एक बंदा है, कैसे उसको मैं संभालूं गाइस। और गाइस आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि आलोक का गिव अवे, गाइस आलोक का गिव अवे गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने आलोक का गिव अवे नहीं किया। लेकिन गाइस किसी ने भी यूआईडी गाइस अपनी लिखी नहीं थी गाइस कतई, मतलब मैंने आपको रियली में बोला था कि गाइस सच में करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग ने विश्वास ही नहीं किया। क्यों ऐसा क्यों किया आपने गाइस? अरे यार ऊपर वाली बंदी जीने नहीं दे रही है, पीछे से और एक बंदा आ रहा है गाइस, क्या ही बताऊं मैं। अरे यार गाइस एक तो मेरे पास एमओ की कमी है और मैं क्या ही बताऊं गाइस, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। नीचे की तरफ वाले बंदे को पहले हम संभालते हैं। यार ये क्यों परेशान कर रहा है मुझे। अरे यार तो गाइस अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस।